उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर, 2022 के चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश की जनता से जो पहला वादा किया है, जिस वादे में उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी को मौका मिला तो हम उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे, बिजली का जितना भी बकाया बिल होगा जो आम आदमी पार्टी उसको माफ़ करने का काम करेगी, और उत्तर प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए जितना भी बिजली इस्तेमाल करेगा किसान, आम आदमी पार्टी उस सिंचाई के बिजली बिल को पूरी तरीके से मुफ्त करने का काम करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को 24 घंटा बिजली देने का आम आदमी पार्टी ने वादा किया है। उसको लेकर उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं में पार्टी ये अभियान चला रही है। हमारे साथी और कार्यकर्ता लगातार लोगों से मिल रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, गारंटी फार्म भरवा रहे हैं और लोगों को इस अभियान से जोड़ रहे हैं। इस अभियान को और विस्तार देने के लिए पार्टी ने उत्तर प्रदेश के में फ्री बिजली गारंटी पद यात्रा की शुरुआत कर रही है, जिसकी शुरुआत 21 तारीख से बनारस में, 22 को बस्ती में, 23 तारीख को गोंडा में और 28 तारीख को गाजियाबाद में फ्री बिजली गारंटी पदयात्रा होगी, जिसका नेतृत्व राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के इंचार्ज संजय सिंह जी जो करेंगे। उसी गारंटी यात्रा को लेकर, जो उसकी तैयारियों को लेकर आज हम गाजियाबाद के साथियों से बातचीत करने आए हैं और ये तय करने आए हैं कि उस यात्रा को ऐतिहासिक और सफल कैसे बनाया जाए। आम आदमी पार्टी सभी 403 विधानसभाओं सीटों पर लड़ेगी और 170 विधानसभा प्रभारी और संभावित उम्मीदवार के तौर पर हम लोगों ने ऐलान भी किया है और आने वाले कुछ दिनों में बाकी जो सीटें हैं जो उनके प्रभारियों का हम ऐलान करेंगे। आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में किसी से गठबंधन नहीं होगा, हम सभी 403 सीटों पर लड़ेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार का जो विकास का मॉडल है, दिल्ली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में माताओं और बहनों को सरकारी बसों में जो फ्री यात्रा की सुविधा दे रखी है, किसानों की फसल नुकसान होने पर दिल्ली सरकार जो 50,000 पर हेक्टेयर का मुआवजा देती है, हम अरविंद केजरीवाल सरकार के मॉडल को लेकर उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में जाएंगे और हम सभी 403 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। अच्छा, आपके दूसरे प्रत्याशी हर मीटिंग में आपके साहिबाबाद की जो प्रत्याशी है वो क्यों नहीं आते? जितने भी लोग बिजली अभियान में कार्यकर्ता हमारे लगे हैं उनको हमने सबको मना किया था, चाहे वो एक स्टेट के पदाधिकारी हों, चाहे कैंडिडेट हों, चाहे जो है वो वॉलंटियर हमारे हों, जो इस अभियान में लगे हैं हमने उनको पर्सनली, ये मैंने जिलाध्यक्ष जी से और ये महेश त्यागी जी से भी मैंने कहा था, कोई भी साथी जो बिजली अभियान का होगा वो इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेगा और जितने भी लोग बिजली अभियान में लगे हैं वो भी इस पदयात्रा में शामिल नहीं होंगे। बाकी हमारी जो जिला कमेटी है, हमारे प्रकोष्ठों के साथी हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, बाकी लोग सारे लोग शामिल होंगे और वही सारे लोग इस मीटिंग में हैं। सूत्रों से पता लगा है कि साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं आपकी, उसको बदलने की बात की जा रही है। जो आम आदमी पार्टी जिन 170 विधानसभा सीटों पर अपने प्रभारी का ऐलान किया है, उसमें पार्टी ने सबको प्रचार अभियान की जिम्मेदारी दी है, एक गाइडलाइन तय करी है, उस गाइडलाइन को सारे लोग जो अभी तक फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करने वालों को बदलने का कोई चांस नहीं है। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि साहिबाबाद विधान क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के भी प्रति उनका रुख अच्छा नहीं है। अब ये जानकारी आप हमको दे रहे हैं, बातचीत करेंगे उनसे, पूछेंगे, कोई दिक्कत होगी तो उसको हम दूर करेंगे। अच्छा, अभी मुरादनगर में गुड़ मंडी में रालोद की जनसभा हुई, उन्होंने ये कहा जैन चौधरी ने वहाँ पर कि हम महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे पुलिस के लिए और बहुत सारे युवाओं को भी आरक्षण के तहत जो है नौकरी दी जाएगी। आपका और उनका घोषणा पत्र अभी से ही बनना शुरू हो गया है, आपकी तरफ से क्या तैयारियाँ? देखिए, आम आदमी पार्टी ने अपना उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर एक पहला वादा, पहला ऐलान किया है। दूसरी बात हमने उत्तर प्रदेश में ये कही है कि आम आदमी पार्टी सरकार को मौका मिला तो उत्तर प्रदेश का जो बजट है उसका हम 25% शिक्षा पर खर्च करेंगे,
उत्तर प्रदेश के लोगों को, बच्चों को, पढ़ने वालों को हम बेहतर शिक्षा का इंतजाम करेंगे, स्कूल का इंतजाम करेंगे, टीचर की व्यवस्था करेंगे, बाकी जो है युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, भत्ते को लेकर, किसान के फसल का दाम को लेकर पार्टी उस पर लगातार अध्ययन कर रही है। आने वाले कुछ दिनों में हम सभी इशू पर अपनी बात रखेंगे। चुनाव में आप अपनी पार्टी कहाँ देखते हैं? लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जाति और धर्म की राजनीति ने पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश को बर्बाद और तबाह करने का काम किया। लोग उससे ऊब चुके हैं। अब लोग बदलाव चाहते हैं, लोग एक विकल्प चाहते हैं, लोग विकास की राजनीति चाहते हैं, लोग बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, लोग बेहतर कानून व्यवस्था चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अस्पताल बढ़िया हो, स्कूल बढ़िया हो। तो अब लोग बदलाव चाहते हैं और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है उसको लोग पसंद कर रहे हैं और पार्टी को ऐसा लगता है कि लोग बदलाव के तौर पर आम आदमी पार्टी को मौका देंगे। उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा चुनाव है, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, किस प्रकार से आप इसको निभा पाएंगे? अरे भाई, हम पिछले 2 साल से अध्यक्ष हैं, लगातार हम उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। गाजियाबाद में भी ये 4थी या 5वीं बार हम जो आए होंगे अपने साथियों बातचीत करने, और हम ये लगातार मेरी कोशिश है कि संगठन का विस्तार हो। बहुत सारे नए लोग जुड़ भी रहे हैं, साथी हमारे जो अभियान में जा रहे हैं, जो फ्री बिजली के अभियान में, उसमें भी लोग जुड़ रहे हैं और हम लोगों से संपर्क करके जुड़ रहे हैं। और लोगों के ये उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बदलाव कर सकती है। किसान जो है 10 महीने हो गए उनको बैठे हुए, आप किसानों को किस नज़र से देखना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी पहले दिन से किसानों के साथ थी, है और आगे भी रहेगी। हमारे नेता सांसद संजय सिंह जी ने उस 3 कृषि कानून के खिलाफ सदन में भी जबरदस्त बोला, बिल भी फाड़ी, और हम ये कानून सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं है, ये कानून इस देश के आम आदमी के खिलाफ है। ये कानून महंगाई बढ़ाने वाला है, ये कानून जमाखोरी को बढ़ावा देने वाला है, ये कानून कालाबाजारी को बढ़ावा देने वाला है, क्योंकि इस कानून में असीमित भंडारण का अधिकार है। असीमित भंडारण का जो अधिकार कोई आम आदमी नहीं करेगा, कोई आम किसान नहीं करेगा। असीमित भंडारण का काम सिर्फ देश के चंद पूंजीपति करेंगे, बड़े बड़े लोग करेंगे। किसानों से सस्ते दाम पर अनाज खरीदेंगे, अपने गोदाम पर डंप करेंगे, और जब उसकी किल्लत होगी मार्केट में तो वो मनमानी तरीके से महंगे दाम पर भेजेंगे। जिस कालाबाजारी को जो हम लोग गैरकानूनी मानते थे, सरकार ने उसे एक लाइसेंस देने का काम किया इस कानून के जरिए। ये कानून सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं है, ये कानून देश के आम आदमी के खिलाफ है। ये कानून महंगाई बढ़ाने वाला है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है, और आम आदमी पार्टी पहले दिन से मांग कर रही है इस 3 कानून को वापसी होनी चाहिए। पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, ये सरकार बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा के आई थी कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। इस सरकार ने तेल और पेट्रोल के साथ साथ जो महंगाई बढ़ाई, इस सरकार ने जो बुनियादी चीज़ थी देश के अंदर, चाहे वो रेल हो, एयरपोर्ट हो, LIC हो, कोल इंडिया हो, सबको इस सरकार ने बेचने का काम किया। ये सरकार देश के चंद पूंजीपतियों की सरकार है और चंद पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने वाली सरकार है। और महंगाई जो है, जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्यों में जो चुनाव है, इस सरकार को, इस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर देख जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी सक्रिय टीम काम करती है, जैसे महेश त्यागी जी हैं, आपके जिला अध्यक्ष हैं, नरेंद्र जी हैं, लेकिन आपसी मतभेद नीचे आने पे क्यों है? मतभेद क्यों? देखिए, परिवार है, परिवार में थोड़ा बहुत जो है वो हम बातचीत करके दूर करेंगे, वो कोई बड़ा इशू नहीं है।